दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनबॉक्सिंग टाइम पर। तो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है ये जो बोट ब्लिट 2000 स्पीकर है, ये हमारे पास आ चुका है। तो इस वीडियो के अंदर आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, रिव्यू करेंगे, देखेंगे इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, साउंड क्वालिटी कैसी है, बेस कैसा है, देखने में ये प्रीमियम लगता है फिर नहीं लगता, इसके अंदर आप सभी को क्या सब फीचर मिल जाएंगे वो सब इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं, चेक करने वाले हैं। तो मैं आप सभी का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, चलिए अब जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, साथ ही मैं इसे चेक कर लेते हैं इसकी साउंड और बेस वगैरह कैसी है। ठीक है, चलिए अब जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो ये देख सकते हैं, ये रहा हमारे बोट के ब्लिट 2000 स्पीकर का बॉक्स, और बॉक्स के ऊपर सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो स्पीकर है इस प्रकार के दिखने वाले हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ब्लिट 2000 लिखा गया है, साथ ही में यहाँ पर बोट की ब्रांडिंग दी गई है और यहाँ पर लिखा गया है द बीस्ट अनलीस्ड। अब यहाँ पर बीस्ट शब्द का यूज इस कारण किया गया है क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पर आप सभी को 100 वाट का स्पीकर देखने को मिल जाता है, जो कि कोई भी दूसरी कंपनी आपको इस प्राइस पॉइंट पर नहीं देने वाली है। साथ ही में यहाँ पर कुछ फीचर भी लिखे गए हैं, जैसे ये जो स्पीकर है 2.0 को सपोर्ट करता है, इसमें आप सभी को RGB इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इसमें आप सभी को मल्टीपल कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे ब्लूटूथ वर्जन 5.0 का सपोर्ट मिल जाता है, ऑक्स यूएसबी एसडी कार्ड और FM का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर मैं आपको बॉक्स के इस तरफ दिखाऊं तो यहां पर आप देख सकते हैं बॉक्स के ऊपर इसकी जो MRP है 8,990 रुपए लिखी गई है, जबकि ये जो स्पीकर है बोट वालों ने कहा है कि हमने इसे स्पेशल प्राइस पर लॉन्च किया है और इसका जो प्राइस फिलहाल फ्लिपकार्ट पे इसे लॉन्च किया है 3,999 रुपए में लॉन्च किया है। इसका जो प्राइस है हो सकता है बढ़ सकता है, पब्लिक डिमांड के हिसाब से इसका जो प्राइस है वो बढ़ सकता है क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे कोई भी 100 वाट का स्पीकर नहीं दे रहा। साथ ही में यहां पर इसके ऊपर आप सभी को 1 साल की वारंटी मिल जाती है। पैकेज में क्या सब आपको कंटेंट मिलेगा वो भी यहां पर लिखा गया, एक सबवूफर है, 2 सैटेलाइट स्पीकर है, एक ऑक्स केबल आपको मिल जाएगा, एक आपको FM एंटीना केबल मिल जाएगा, एक रिमोट कंट्रोल है, यूजर मैनुअल है, वारंटी कार्ड है। तो चलिए अब जल्दी से इस स्पीकर को हम ओपन कर लेते हैं और चेक करते हैं इस स्पीकर की बिल्ड क्वालिटी कैसी है, साउंड क्वालिटी कैसी है, बेस कैसा है, साथ ही में देखने में कितना प्रीमियम लगता है, वो चलिए जल्दी से बॉक्स को ओपन करके चेक कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर हमने अपने सबवूफर को, स्पीकर को बॉक्स से बाहर निकाल लिया है। तो सबसे पहले आप सभी को बॉक्स में आप सभी को ये सबवूफर देखने को मिलेगा, 2 आपको स्पीकर देखने को मिल जाते हैं, 1 आप सभी को यूजर मैनुअल भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, जिसे देख के आप सीख सकते हैं कि किस तरीके से इस सबवूफर को अपने स्पीकर के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, साथ ही में यहाँ पर रिमोट के जितने भी फीचर हैं वो भी इसमें समझा दिए गए हैं। इसके अलावा एक और आपको पुस्तक देखने को मिलता है जिसमें बोट ने जिसके साथ भी कोलैब किया है, जो भी प्रोडक्ट बनाता है वो सबकी डिटेल इसमें दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर आप सभी को 1 साल की वारंटी वाला कार्ड भी देखने को मिल जाता है। ये आप सभी को मतलब जो FM एंटीना केबल है वो आपको देखने को मिल रहा है, इस प्रकार का एक केबल है, और यहाँ पर आप सभी को ऑक्स केबल देखने को मिल जाता है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ सबवूफर के बिल्ड क्वालिटी की, तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं जहाँ पर मैंने हाथ रख रखा है, ये जो पूरा मटेरियल है यहाँ पर वुड का इस्तेमाल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये जो पूरा पार्ट है यहाँ पर वुड का इस्तेमाल किया गया है, ये ओरिजिनल वुड नहीं होता, इसे इंजीनियरिंग वुड कहते हैं, जिसके चलते जो साउंड होता है, जो बेस होता है, काफ़ी रिच आता है, लाउड आता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ वायर की क्वालिटी की, तो यहाँ पर वायर की क्वालिटी अच्छी दी गई है। अक्सर ऐसा होता है ना कि ये जो पार्ट होता है वो कट जाता है, फिर फूक जाता है, तो यहाँ पर वायर की क्वालिटी अच्छी दी गई है। साथ ही में ये जो मटेरियल आप देख रहे हैं जहां पर ये पोर्ट्स हैं, बटन है, ये यहां पर प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है। जी हां दोस्तों, प्लास्टिक है और यहां पर जो बटन है काफी अच्छे यहां पर फील दे रहे हैं, एकदम आवाज सी आ रही है, तो आपको पता लग जाएगा कि आपने जो बटन है वो प्रेस किया है। यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे ही मैं इसे थोड़ा सा प्रेस कर रहा हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं बीच में जो गैपिंग है वो नजर आ रही है, जो कि नहीं नजर आनी चाहिए थी। तो यहां पर आप देख सकते हैं जैसे ही मैं दबा रहा हूं तो यहां पर ये जो गैपिंग है वो नजर आ जाता है, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो यहां पर ये पन्नी सी दी गई है, इस पन्नी को चलिए सबसे पहले मैं हटा देता हूं, अक्सर मुझे पन्नियां बेकार लगती हैं। ये भी पूरा मटेरियल, ये मेरे हाथ में ही चिपक गया, ये भी पूरा मटेरियल यहां पर प्लास्टिक का दिया गया है, और ठीक है प्लास्टिक की क्वालिटी तो ठीक ही है। साथ ही में यहाँ पर आप देख सकते हैं सबवूफर के जो फ्रंट साइड में आप देखेंगे तो ये जो जाली सी आपको नजर आ रही है, यहाँ पर मेटल का इस्तेमाल किया गया है, प्लास्टिक नहीं है, मेटल का इस्तेमाल किया गया है। ये पूरा पार्ट जो आप लाइनिंग दिखा रहा हूँ मैं, ये यहाँ पर प्लास्टिक का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। और नीचे भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा तो यहाँ पर ये जो बोट लिखा गया है यहाँ पर ये प्लास्टिक वाला पार्ट है। तो चलिए अब मैं आपको सबवूफर के पीछे की तरफ दिखा देता हूँ। अगर मैं आपको सबवूफर के पीछे दिखाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ पोर्ट दिए गए। पहला वाला जो पोर्ट है वो है FM एंटीना का पोर्ट है, यहाँ पर ये जो केबल दिया गया है जिसकी मदद से आप अपने FM का मजा मतलब क्लियरली ले सकते हैं, तो इसको यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर आपको R और L का आउटपुट देखने को मिल जाता है। अगर मैं आपको गौर से दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फिनिशिंग है वो इतनी अच्छी नहीं दी गई है।
जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मुझे फिनिशिंग अच्छी नहीं लगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारा गैप है और यहाँ पर जो मतलब वुड का कलर है वो भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसके अलावा आप सभी को यहाँ पर ऑन ऑफ का यहाँ पर बटन दिया गया है जिसकी मदद से आप अपने सबवूफर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये रहे इसके साथ जो मिलने वाले दोनों स्पीकर हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं अगर स्पीकर की बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो बिल्ड क्वालिटी मुझे ठीक ठाक लगी है, उतना मुझे प्रीमियम साथ छूने से महसूस नहीं हुआ है। पूरा जो स्पीकर है प्लास्टिक से बना हुआ है। आगे वाली जो यहाँ पर ये जाली सी देख रहे हैं, यहाँ पर मेटल का इस्तेमाल किया गया है। ऊपर की साइड यहाँ पर बोट लिखा गया है और ये शायद RGB इफेक्ट हो सकता है, जो कि हम चेक करेंगे थोड़ी देर में। दोनों स्पीकर की क्वालिटी ठीक ठाक है, मतलब उतना मुझे प्रीमियम सा महसूस नहीं हो रहा। अगर इसकी साउंड अच्छी निकलती है तब दोस्तों ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग सकता है। अभी हम साउंड टेस्ट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप सभी को इसमें इस तरीके का आपको एक रिमोट देखने को मिल जाएगा जहाँ पर नीचे काफ़ी बड़े में बोट लिखा हुआ है। साथ ही में काफ़ी सारे यहाँ पर आप देख सकते हैं बटन वगैरह भी दिए गए हैं। दोस्तों इसमें आपको अपनी तरफ से बैटरी लगाना पड़ेगा, इसके साथ बैटरी नहीं आती है। और रिमोट की क्वालिटी की बात करूं तो रिमोट की क्वालिटी भी एकदम लोकल जैसी है, मतलब प्रीमियम सा यहां पर रिमोट बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा। तो चलिए अब इस सबवूफर को अपने स्पीकर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद इसके साउंड को बेस को हम टेस्ट कर लेते हैं और देखते हैं इसका जो साउंड है, जो बेस है, वो कितना दमदार है, ठीक है। तो चलिए अब जल्दी से चेक कर लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर मैंने अपने सबवूफर को पावर के साथ कनेक्ट कर दिया है और इन दोनों स्पीकर को भी अपने सबवूफर के साथ कनेक्ट कर दिया है। स्पीकर को सबवूफर के साथ कनेक्ट करने के लिए सबवूफर के पीछे जो आपको R और L वाला पोर्ट मिलेगा, तो एक स्पीकर को आपको राइट में कनेक्ट कर देना है और दूसरे स्पीकर को आपको लेफ्ट वाले पोर्ट में कनेक्ट कर देना है। तो इस तरीके से आपके जो स्पीकर हैं यहां पर सबवूफर के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए अब अपने सबवूफर को यहां पर मैं ऑन कर लेता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने अपने सबवूफर को पावर के साथ कनेक्ट किया है तो यहां पर डैश करके आपको ये जो मतलब लाल रंग का जो LED है वो देखने को मिलेगा। तो इसको ऑन करने के लिए सिंपली आप सभी को रिमोट में ये जो ऑन ऑफ का बटन है जैसे ही आप इसे प्रेस करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं आप सभी को ये जो RGB वाला इफेक्ट है वो आपको सबवूफर में देखने को मिल जाएगा। साथ ही में ये जो ऑन होता है वो FM मोड में ऑन होता है, ठीक है। अब इसको अपने फोन के साथ कनेक्ट करने के लिए यानी ब्लूटूथ मोड में से डालने के लिए आप सभी को रिमोट में ये जो BT का बटन है इसको आप सभी को प्रेस कर देना है। इसको जैसे ही प्रेस करेंगे तो ब्लूटूथ मोड में चला जाएगा, उसके बाद आप अपने फोन से इसे आसानी से पेयर करके कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा रिमोट में आप देख सकते हैं यहां पर USB का बटन है, SD कार्ड का बटन है, FM का बटन है, तो इनको भी आप अपने रिमोट से यूज कर सकते हैं। इसके अलावा रिमोट में वॉल्यूम को बढ़ाने का, घटाने का, बेस को कम करने का, ज्यादा करने का, यहां पर ट्रिबल को कम करने का, ज्यादा करने का, साथ ही में FM को कंट्रोल करने के लिए वो भी ऑप्शन दिया गया है। साथ ही में गाने को मतलब आगे पीछे करने के लिए, प्ले पॉज करने के लिए सभी ऑप्शन दिए गए हैं। रिपीट का भी ऑप्शन है, म्यूट का भी ऑप्शन है, तो ये सारे ऑप्शन आप सभी को रिमोट में देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए अब अपने सबवूफर को हम अपने फोन के साथ कनेक्ट कर लेते हैं और इसके साउंड को, बेस को देख लेते हैं कि कितना तगड़ा इसका जो साउंड है वो बेस है, ठीक है। तो चलिए अब जल्दी से चेक कर लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस स्पीकर को मैंने अपने फोन के साथ यहां पर आप देख सकते हैं कनेक्ट कर लिया है। तो दोस्तों यहां पर मैं ये वाला साउंड प्ले करने वाला हूं, उससे पहले यहां पर मैंने स्पीकर के जो वॉल्यूम को फुल कर दिया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर ये 30 तक फुल हो जाता है। साथ ही में इसका जो बेस है यहां पर आप देख सकते हैं 5 तक यहां पर फुल होता है, ठीक है। तो चलिए अब मैं यहां पर ये जो सॉन्ग है प्ले कर देता हूं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये जो इसमें FM वाला फीचर दिया गया है जो यहाँ पर आप रिमोट पे भी देख सकते हैं, ये जो FM वाला फीचर है क्या इसमें काम करता है फिर नहीं करता। तो यहाँ पर ये जो एंटीना वाला केबल है इसमें सबवूफर के साथ कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा मेरा जो कमरा है पूरी तरह से बंद है, तो यहाँ पर ये जो FM वाला फीचर है मेरे घर के अंदर काम नहीं कर रहा। हो सकता है आपके घर के अंदर काम करे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि घर के अंदर FM वाला फीचर है उतनी अच्छी तरीके से काम करेगा। हालाँकि ये जो कार्ड रीडर और SD कार्ड वाला स्लॉट है ये मुझे काम के फीचर लगे, बाकी FM वाला फीचर मुझे नहीं लगता, क्योंकि लोग इसे अपने घर में यूज करेंगे तो ऐसे में जो FM वाला फीचर है मुझे नहीं लगता कि उतना यूज होने वाला है। तो यहां पर दोस्तों आप सभी ने इस स्पीकर की जो साउंड क्वालिटी है, जो बेस है, वो सुन लिया होगा और आप सभी को वीडियो में थोड़ा बहुत तो आइडिया हो ही गया होगा कि इसकी जो साउंड क्वालिटी है, जो बेस है, वो कैसा है। वैसे वीडियो में हमें उतना पता नहीं लगता कि स्पीकर के जो साउंड की क्वालिटी है, जो बेस है, वो कैसा है, लेकिन यहां पर मैं आप सभी को बताना चाहूंगा इसकी जो साउंड क्वालिटी है, इसकी जो बेस है, वो काफी तगड़ी है, काफी मतलब हैवी किस्म के है। इसके बेस को मैंने फुल कर दिया था, साउंड को भी मैंने फुल कर दिया था एकदम। साउंड को मैंने 30 पे रखा है और बेस को मैंने 5 पे रखा था, फिर भी इसकी जो साउंड है कहीं से भी मुझे मतलब फटी महसूस नहीं हुआ और साउंड जो क्वालिटी है वो भी काफी रिच किस्म की यहां पर साउंड क्वालिटी आपको देखने को मिलने वाली है।
तो ऐसे में दोस्तों ये स्पीकर, मैं एक बात यहाँ पर बताना चाहूँगा, स्पीकर की जो क्वालिटी है, थोड़ा सा जो प्रीमियमनेस होता है ना, वो मुझे इस स्पीकर में मिसिंग सा लगा है। हालांकि साउंड क्वालिटी अच्छी है, जो आपको FND के स्पीकर में जो प्रीमियमनेस सा महसूस होता है, जो उसकी बिल्ड क्वालिटी होती है ना, वो इसमें बिल्ड क्वालिटी मुझे नहीं लगी है, ये मैं बोलना चाहूँगा। हालांकि साउंड क्वालिटी तगड़ी है, साउंड सुन के आपको मज़ा आ जाएगा। तो ऐसे में आप अपने घर में पार्टी करने के लिए या फिर मतलब हैवी सॉन्ग को सुनने के लिए, एकदम बेस पे सुनने के लिए, तो उस कंडीशन में आप इसे ले सकते हैं। लेकिन थोड़ी बहुत इसकी बिल्ड क्वालिटी और अच्छी होती तो मज़ा आ जाता। तो स्पीकर अच्छा है, जिनको हैवी बेस पसंद है, साउंड पसंद है, लाउडनेस पसंद है, उनके लिए ये स्पीकर काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ऐसे में अगर आप ये स्पीकर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बस बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी और अच्छी हो सकती थी। ऐसा नहीं कि ख़राब है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, लेकिन थोड़ी और भी अच्छी हो सकती थी। यहाँ पर जैसे RGB इफेक्ट को यूज़ करने के लिए इन्होंने छोटे छोटे बल्ब का इस्तेमाल किया है, LED का इस्तेमाल नहीं किया, तो ये चीज़ भी मैंने नोट किया है। तो ऐसे में स्पीकर की साउंड क्वालिटी अच्छी है, थोड़ा सा प्रीमियम होना चाहिए था, लेकिन ठीक है, इस प्राइस पॉइंट पे साउंड क्वालिटी तो कम से कम अच्छी मिल रही है। तो उम्मीद करूंगा आप सभी को ये जो रिव्यू है वो पसंद आया होगा। काफ़ी जुगाड़ से ये रिव्यू मैंने बनाया है, क्योंकि काफ़ी छोटा सा कमरा है और इसी कमरे में मुझे पूरा शूट करना था। तो आई होप आप सभी को ये जो रिव्यू है वीडियो पसंद आए होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, साथ ही में चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह की ढेरों सारे इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।